हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में निफ्टी की वैल्यूएशन समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा इंडेक्स है, ये इंडेक्स इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है और आप कह सकते हैं कि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को मिला के ये इंडेक्स बना है। जब भी कोई बड़ा इंडेक्स में ब्रेकडाउन आता है या बड़ा इंडेक्स नीचे जाता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी छोटे इंडेक्सेस और स्टॉक्स पे डेफिनेटली पड़ता है। जब भी हमको किसी इंडेक्स या स्टॉक की वैल्यूएशंस समझनी हो तो एक पीई रेशियो, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, और दूसरी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जिसे हम पीबी रेशियो बोलते हैं, एक की रोल प्ले करते हैं। ये दोनों रेशियोज जितनी कम हो उतनी सस्ते स्टॉक माने जाते हैं और सस्ता इंडेक्स माना जाता है। ये दोनों रेशियोज जितनी ज्यादा हो उतना इंडेक्स कॉस्टली और स्टॉक कॉस्टली माने जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये दोनों रेशियोज जितनी कम हो उतना ही एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टॉक माना जाता है। तो चलिए आगे हम डिटेल में निफ्टी की पी रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो का ट्रेंड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब जब ये इंडेक्स 25 के ऊपर गया है, एक बड़ा ब्रेकडाउन डाउन ट्रेंड इस इंडेक्स में आया है और दोबारा से ये फिर ऑलमोस्ट 15 या 20 के बिलो ये इंडेक्स आगे ट्रेड किया है। अगर आप लेटेस्ट वैल्यूएशंस देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट ये 26-27 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट द टाइम टू डू। जब भी ये आप इंडेक्स 20 के नीचे या 16-17 या 15 के आसपास रेंज या 15 से बिलो पी रेशियो में आप देखें तो वो एक अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है पी रेशियो के अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर आप कुछ आपके पास कुछ बड़ी होल्डिंग पड़ी है तो आप उसको सेल करके फिलहाल आप प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। बट ये रूल, ये जो ट्रेंड है, ये सिर्फ निफ्टी 50 का ट्रेंड है पी रेशियो का। अगर स्टॉक टू स्टॉक वाइज वो अलग से सेपरेटली देखना पड़ेगा, पर फिलहाल ये एक डेंजर जोन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। चलिए अब प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू एक 3 या 4 की रेशियो में नॉर्मली पिछले 8 साल से ये ट्रेड कर रहा है, विच इज ओके। और अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 की रेशियो के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड करता रहा है। सबसे ज़्यादा एक बार 2008 में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ था, जब आई थिंक उसके बाद रिसेशन का एक बड़ा स्टार्टिंग हुई थी, तो तब इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा था, निफ्टी पी रेशियो भी ऑलमोस्ट 28 के आसपास थी और प्राइस टू बुक भी 5 से क्रॉस कर गया था। उसके बाद एक बड़ा रिसेशन का टाइम था जिसके बाद से फिर से इंडेक्स की रेटिंग हुई और निफ्टी बिलो ऑलमोस्ट 11-12 की पी रेशियो के आसपास ट्रेड किया। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू में देखें तो आज की डेट में हम ये अभी डेंजर जोन क्रॉस, जो कि 4 की प्राइस टू बुक रेशियो आप बोल सकते हैं, क्रॉस नहीं किया है, तो फिलहाल निफ्टी प्राइस टू बुक टर्म्स में अभी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुआ है। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में वो अभी ठीक नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आई होप कि ये वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम आपको ऐसी और लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।